स्वागत है दोस्तों आप सभी का मेरे इस चैनल में राधे फार्मिंग। और हम बात कर रहे हैं आज मशरूम में जो है प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। एक सब्सक्राइबर ने कमेंट किया था जो कि उन्होंने पूछा था कि वेस्टर्न मशरूम का जो है प्रोडक्शन कैसे बढ़ाया जाए। बढ़ाने का मतलब जितना आना चाहिए नेचुरली उतना कैसे लिया जाए। कितनी बार तो ऐसा होता है कि मशरूम में जैसे कि आप देख पा रहे होंगे इस मशरूम बैग में जो है 1 किलो से 1.5 किलो हुई कितने किसान जो है प्रोडक्शन ले पाते हैं। तो इस चीज़ को बढ़ाया कैसे जा सकता है, कुछ बातें होती हैं जिस पे डिपेंड करता है कि आपका प्रोडक्शन कितना आता है कैसा आता है। तो कुछ ऐसी ज़रूरी चीज़ें होती हैं जो कि आपको करना होता है और शायद वो प्रक्रिया आपके मशरूम में प्रॉपर तरीके से नहीं हुई होगी और इसलिए शायद प्रोडक्शन आपको ना मिला हो। तो हम बात कर लेते हैं कि वो चीज़ें क्या हैं जिन्हें हमें ज़्यादा ध्यान देना होता है और जिन चीज़ों को हमें फॉलो करना होता है कि वो प्रक्रिया पूरी करनी होती है जिससे कि हम जो है वेस्टर मशरूम का प्रोडक्शन ज़्यादा से ज़्यादा ले सकें, जितना आना चाहिए उतना हम ले सकें। वैसे तो कुछ वेराइटीज़ ही ऐसी होती हैं कि जिनमें प्रोडक्शन कम आता है, जैसे कि किन्हीं मशरूम का गुच्छा ज़रा बड़ा होता है और किन्हीं मशरूम का गुच्छा थोड़ा पतला आता है। अगर पत्ते होंगे वेस्टर मशरूम के तो पत्ते जैसे होते हैं तो पत्ता कोई पतला ही रह जाता है और कोई गुच्छे के रूप में निकलता है। तो ये स्पॉन पे डिपेंड करता है। पहला बात ये कहना चाहेंगे कि जो स्पॉन होता है स्पॉन के क्वालिटी पर भी डिपेंड करता है कि आपका मशरूम प्रोडक्शन कितना होगा और कैसा होगा। और जैसे कि क्वालिटी में हम ये देख लेंगे कि क्या वेराइटी है। वो अब आप अगर जो लगा रहे हैं वेस्टर वाइट और वेस्टर पिंक, तो पिंक में आपको प्रोडक्शन जो है थोड़ा कम मिलेगा और वाइट वाले में जो है प्रोडक्शन ज़्यादा आता है और वाइट से भी ज़्यादा कहीं प्रोडक्शन आता है जो आपका ब्लू होता है, यानी कि ऊपर उसके कैप पे थोड़ा काला रंग का आता है। तो काले वाले में सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, लेकिन उसका दिक्कत ये रहता है कि जो है उसे थोड़ा ठंड और ज़्यादा चाहिए होता है वाइट वेस्टर मशरूम की तुलना में। तो ये हो गया क्वालिटी स्पॉन की बात कि आपका आप डिसाइड कर लें कि किस वैरायटी का है और वो कैसा होगा, गुच्छेदार होगा, झुप्पों में निकलेगा या फिर सिंगल निकलता रहेगा। तो एक तो बात हो गई कि आपके स्पॉन की क्वालिटी की, और दूसरी जो है आपको ध्यान देना होता है वो सबस्ट्रेट जिसमें हम वेस्टर मशरूम अपना उगाते हैं, पुआल हो गया या फिर कुट्टी भूसा जो भी आप सबस्ट्रेट के रूप में यूज़ करते हैं उसको भी आपको एकदम बेहतरीन चुनाव करना होगा, जो कि पानी में भीगा हुआ ना हो, सड़ा हुआ ना हो, उसमें फंगस ना लगे हैं, वो गला हुआ ना हो, हल्का ना हो। तो बढ़िया क्वालिटी का हमें सबस्ट्रेट उसमें जो है इस्तेमाल करना होता है। और हम इससे आगे जो बात कर लेते हैं जो कि आपको ध्यान देना चाहिए, किसान को ध्यान देना चाहिए, मैं भी खास अपने पे भी ध्यान देता हूँ कि जो प्रिपरेशन होता है सबस्ट्रेट प्रिपरेशन, वो सबस्ट्रेट प्रिपरेशन एकदम सही तरीके से और सही समय तक होना चाहिए। तो सबस्ट्रेट प्रिपरेशन में मैं तो केमिकल मेथड का यूज़ करता हूँ, फॉर्मालिन और बेबिस्टिन से। और आप किस तरीके से करना चाहते हैं या फिर कर रहे हैं उसको एकदम बेहतरीन तरीके से जो गाइडलाइंस होती हैं जितने में वो पूरा स्वस्थ सबस्ट्रेट होता है वो गाइडलाइंस पूरी करें और सबस्ट्रेट को प्रिपेयर करें बढ़िया तरीके से। और इस तरीके से भी मशरूम का प्रोडक्शन जो है बढ़ाया जा सकता है, जितना आना चाहिए उतना आएगा। और आगे बात कर लेते हैं कि जो अपना झोपड़ी यानी कि अपना है सेट के स्ट्रक्चर में भी थोड़ा फ़र्क पड़ता है। आपको इसके दो तरफ मेरे हिसाब से मतलब जो होना चाहिए आपको एयर एक्सचेंज के लिए, जैसे कि आप देख पा रहे होंगे एक खिड़की वहाँ पे है और एक यहाँ पे दरवाज़ा है और ठीक इसके सामने ही मैंने वहाँ पे दो खिड़कियाँ रख रखी हैं आमने सामने। तो आपको ये बात ध्यान देनी होगी कि फ्रेश एयर देना होता है वेस्टर मशरूम को, और फ्रेश एयर देने के बाद इसका जो है गुणवत्ता बढ़ जाती है, इसके साइज़ बढ़ जाते हैं और ये काफ़ी अच्छा प्रोडक्शन देता है और नए मशरूम भी फ्रेश एयर के कारण बहुत जल्दी से ग्रो होते हैं और निकल के आते हैं। इस तरीके से भी हमें प्रोडक्शन ज़्यादा मिल सकता है। तो मशरूम के प्रोडक्शन के लिए हमने बात कर ली जो हमने नोटिस करना चाहिए, जो हमें गाइडलाइंस फॉलो करना चाहिए उसमें है एक आपका सबस्ट्रेट का चुनाव,
बढ़िया सबस्ट्रेट आप डालें, उसके बाद स्पॉन क्वालिटी हो गई, उसके बाद एयर एक्सचेंज जो है आपका फ्रेश एयर देना होता है शाम सुबह एक एक घंटे, वो बात हो गई। और सबसे अहम बात जो है मैं वो बताने जा रहा हूँ कि आपको इसमें देना होता है ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर। तो ह्यूमिडिटी टेम्परेचर जितना सही होता है उस तरीके से आप मेंटेन करके रखें। जो है यहाँ पे आप ह्यूमिडिटी मीटर ज़रूर लगाएं अपने शेड में। ह्यूमिडिटी मीटर लगाने से आपको एग्जैक्ट आपका ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर का पता चलेगा। और ह्यूमिडिटी टेम्परेचर आप थोड़ा भी ऊपर नीचे करते हैं तो मशरूम का प्रोडक्शन का जो है साइकिल घट बढ़ हो सकता है। तो ये थी कुछ ख़ास बातें जो मुझे लगा कि आपको बताना चाहिए, और मेरे एक सब्सक्राइबर ने पूछा भी था, उनको धन्यवाद। और हाँ, ये थी कुछ ख़ास बातें जो मुझे लगा मैं आपको बताऊं, शायद आपको भी मदद हो। और अगर आपको बात समझ में आई हो, वीडियो अच्छा लगा हो और लगा हो कि हाँ कुछ काम का था, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। और मिलते हैं किसी अगले वीडियो में। धन्यवाद।